जब आप टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, तो बिल्कुल भी हड़बड़ी न दिखाएं। अपने अंदर के संतुलन को बनाए रखें। कितना भी कठिन प्रश्न आ रहा हो और कठिन से कठिन आता जा रहा हो, प्लीज अपने धैर्य को बिल्कुल मत खोइए। मानकर चलिए कि यदि यह प्रश्न आपके लिए कठिन है, तो वो लगभग लगभग सभी के लिए कठिन होगा। और चलिए, अगर कुछ लोगों के लिए कठिन नहीं भी होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में प्री में सिलेक्शन होना है, और उस संख्या में आप अपने आप को शामिल कर लेंगे, बशर्ते कि आप अपने धैर्य को बनाए रख सकें। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं, अपने बैचमेट्स और या बाद के जो जूनियर्स आते थे, उनसे जब मेरी बातचीत होती थी, तो उनके अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि केवल हड़बड़ी के कारण, अपने आंतरिक संतुलन को खो देने के कारण, वे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस गलत करके आए, जिनमें मैं खुद भी शामिल हूं, जो अदरवाइज गलत होने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। तो इसे भी आप अपनी एक मनोवैज्ञानिक तैयारी का हिस्सा ही माने, और अपनी प्रैक्टिस में ही आप इस बिंदु को शामिल कर लें।